इन दिनों हमारे देश पर और हम सब पर कोविड-19 का जो संक्रमण है उसका खतरा जो है मंडरा रहा है। ऐसे में हम देखते हैं कि हमारे आसपास के कई लोग जो है लगातार पॉजिटिव निकल रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की बात की जाए तो सबसे पहला ख्याल आता है कि अस्पताल का बिल कितना आएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कई ऐसे अस्पताल हैं जो लाखों में बिल निकालते हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे अस्पताल नागपुर में मौजूद है जो सेवाभावी काम करते हैं, मानवता के हित में लगातार काम कर रहे हैं। एक ऐसे ही अस्पताल के बारे में, संस्था के बारे में आज बात करेंगे जो कि पूर्व वर्धमान नगर में मौजूद है। राधाकृष्ण हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो 1991 से लगातार मानवता के हित में काम कर रहा है और कोविड के पेशेंट के लिए भी अस्पताल बनाया गया है, काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। और इस अस्पताल के जो प्रेसिडेंट है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, गोविंद पोद्दार सर, उनसे इस बारे में हम पूरी तरह से जानकारी लेंगे। एक खास बात इस अस्पताल की आपको बताना चाहूँ तो काफ़ी कम रेट में, एकदम रिजनेबल रेट में आपको यहाँ पर बेड अवेलेबल हो जाएंगे, सारी सुविधाएँ आपको मिल जाएगी और आप कोविड के पेशेंट्स को यहाँ पर लाकर एक अच्छी सुविधा उनको मुहैया करा सकते हैं। तो आइए गोविंद पोद्दार सर से इस बारे में बात करते हैं। सर, सबसे पहले विदर्भ टीवी में आपका स्वागत है। 1991 से आपका जो अस्पताल है राधाकृष्ण हॉस्पिटल, ये लगातार काम कर रहा है, लेकिन कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए भी इसे खुला किया है। 25 बेड से आपने इसकी शुरुआत की थी, आज 100 से ज़्यादा बेड यहाँ पर अवेलेबल है, क्या बताएंगे इसके बारे में आप? देखिए, हमने 25 बेड से 23 अगस्त को शुरुआत की थी और आज 78 बेड चालू है और 3 दिन में हम 105 बेड के ऊपर कोरोना की सेवा देने के लिए चालू है, जिसमें हमने नया आईसीयू बनाया है। वो आईसीयू पहले 11 बेड का था, नया 11 बेड का और बनाया है और एक 12 बेड का सेमी आईसीयू बनाया है और काफ़ी रूमों को अपग्रेड करना पड़ा है, काफ़ी वेंटिलेटर्स, बाईपैप मशीनें और एयर प्रेशर मशीन ऑक्सीजन की, ये हमने काफ़ी क्वांटिटी में लाए हैं। आईसीयू फर्नीचर्स लाए हैं, एम्बुलेंस एक्स्ट्रा का अरेंजमेंट किया है। पहले हमारे यहाँ 2 एम्बुलेंस थी, आज 3 एम्बुलेंस है और मशीनें हमारे यहाँ पहले से 2.5 गुना आईसीयू के अंदर बढ़ गई है। नए आईसीयू बेड्स भी आए हैं। डॉक्टरों की टीम में पहले हमारे यहाँ 2 डॉक्टर की टीम थी, जो आज 6 डॉक्टरों की कंसल्टेंट हायर टीम है, उनके साथ में 18 RMO है और लगभग 60-65 नर्सेस है। इस प्रकार हमने स्टाफ को भी 3 गुना किया है और कोरोना के कारण जो डॉक्टर नर्सेस अपनी जान की बाजी लगाती है तो उन सब का हमने इंश्योरेंस करवाया है और सबको डबल पेमेंट अंदाज दे रहे हैं। सर, बात अगर आपके हॉस्पिटल की आती है तो एक बात काफ़ी खुलकर सामने आई है, यहाँ का फूड जो मरीज़ काफ़ी पसंद करते हैं, काफ़ी हेल्दी फूड होता है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। उसके बारे में हरीश जी आपको बताएंगे। इस वक्त हरीश सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, जैसे कि हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ के अगर फूड की बात की जाए तो हमने काफ़ी लोगों से सुना है कि मरीजों को काफ़ी अच्छा खाना दिया जाता है, उनकी सेहत का काफ़ी ख्याल रखा जाता है और रिकवरी के लिए ये काफ़ी ज़रूरी होता है, तो उसके बारे में क्या बताएंगे? नमस्कार। देखिए, ये जो हॉस्पिटल में फूड और जो देने का जो कार्यक्रम शुरू किया है, ये जो हमारी जो सहयोगी संस्थाएं हैं, जैसे श्री राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट है और श्याम रसोई है, ये श्याम रसोई पहले से ही कार्यरत है। इनका इनका फूड जो है वो कोविड पेशेंटों के लिए एकदम अच्छा रहे, इस हिसाब से हमने उन इम्यूनिटी बूस्टिंग, जिसमें जो है उनकी पेशेंट्स की इम्यूनिटी बढ़े, नारियल पानी, काढ़ा और ड्राई फ्रूट्स, इस टाइप की चीज़ें इनके सहयोग से हम मुफ्त उसका वितरण जो है वहाँ अपने पेशेंटों के लिए, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हम करवाते हैं। और शायद इसी कारण से जब लोगों को, पेशेंट्स को जो है ये चीज़ें देखने मिलती है तो शायद इसी कारण से वो बात फैलती है और सभी लोगों को अब ये ज्ञात है नागपुर में कि राधा कृष्ण हॉस्पिटल में जो पेशेंटों का खाने का जो व्यवस्था बनी हुई है वो सबसे उत्तम है। सर, अगर रेट की बात की जाए तो क्या बताएंगे आप, क्योंकि हम देखते हैं कि कोविड के पेशेंट के मन में सबसे पहला ये ख्याल आता है कि अगर हम मरीज़ को अस्पताल लेकर जाएंगे तो लाखों का बिल आएगा, जिसके डर की वजह से अस्पताल तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन राधा कृष्ण हॉस्पिटल काफ़ी रिजनेबल रेट में बेड अवेलेबल कराता है, क्या बताएंगे आप? देखिए, इसके बारे में हमारे प्रेसिडेंट श्री गोविंद पोद्दार जी आपको जानकारी देंगे। सर, अगर बात की जाए हॉस्पिटल के रेट की तो नागपुर में
राधा कृष्ण हॉस्पिटल में काफ़ी रिजनेबल रेट में बेड जो है अवेलेबल हो जाता है, लेकिन दूसरे अस्पतालों की बात करें तो इतना ज़्यादा बिल निकलता है कि आम आदमी वहाँ पर जाने की सोच भी नहीं सकता। तो राधा कृष्ण हॉस्पिटल में कोविड के पेशेंट के लिए किस तरह के बेड अवेलेबल, कितने रेट में हो जाते हैं? जहाँ तक बेड्स के सवाल है, कॉरपोरेशन ने 80% बेड्स अपने कंट्रोल में रखे है। उनका डेली ऑडिटिंग होता है, उसमें तीन टाइप के चार्जेस रहते हैं, 4,000, 7,500 और 9,000। 4,000 में जनरल बेड्स रहते हैं, 7,500 में सेमी आईसीयू रहते हैं, 9,000 में आईसीयू रहते हैं। उसके बाद उसमें कौन क्या करता है वो हमारा इश्यू नहीं है, मैनिपुलेशन होता है। उसके बाद जो बचे हुए रूम्स रहते हैं वो रूम्स में एसी टीवी रहता है, तो उसका लोग चार्जेस करते हैं 25,000-30,000। हमारे यहाँ वो चार्जेस 10,000 से 15,000 ही है। उसके बाद में हमारे यहाँ हिडन खर्चे नहीं लगाते हम, ऑक्सीजन के चार्जेस नहीं लगाते जो हर हॉस्पिटल में लगाए जाते, हम फूड के चार्जेस नहीं लगाते। आज यदि हमारे फूड चार्जेस कोई कैटरिंग से हम लेवे तो 1500 रुपये पर हेड आएगा। हम सुबह काढ़ा, काढ़े के बाद में चाय बिस्किट, चाय बिस्किट के बाद में खाना, खाने के बाद में फ्रूट, फ्रूट के बाद में नारियल पानी, उसके बाद में ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट के बाद में फिर खाना, और रात को केसर का दूध देते हैं। केसर के अंदर भी इम्यूनिटी होती है। इस प्रकार ये सेवाएं हरीश जी ने आपको बताया है किस प्रकार फ्री में ये सेवाएं दी जा रही है। जो श्याम रसोई हमारा ही संस्थान है, वो 9 साल से पूरे हॉस्पिटल के मरीजों को और उनके साथ में आए हुए जितने भी अटेंडेंट रहते हैं, रिलेटिव रहते हैं, उनको 2 टाइम का फ्री फूड देते आ रही है। ये हमारे यहाँ की महिलाएँ इस कारोबार को संभालती है और स्वेच्छा से दानदाता इसमें पैसा देते हैं। सर, राधा कृष्ण हॉस्पिटल जो है 1991 से लगातार काम कर रहा है, इसकी स्थापना के बारे में हम जानना चाहेंगे कि बॉडी में कितने लोग मौजूद है और किस तरह से पूरा जो हॉस्पिटल का जो संगठन है लगातार मानव हित के लिए काम करता है। राधा कृष्ण हॉस्पिटल की स्थापना का सबसे बड़ा आधारशिला है राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट व राधा कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट व शिव प्रसाद पोद्दार चैरिटेबल ट्रस्ट। इसमें से 2 ट्रस्टों की जगह थी, शिव प्रसाद श्याम सुंदर पोद्दार ट्रस्ट और राधा कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट, ये दोनों ने 2 रूम से मंदिर में सेवा चालू की थी 1984 में, और बढ़ते बढ़ते ये विशाल रूप नागपुर के बीच में उपलब्ध है। इसके अंदर इसके संस्थापक श्याम सुंदर जी पोद्दार, गंगाराम जी अग्रवाल, भंवरलाल जी मालू, हजारीलाल जी अग्रवाल, जगदीश जी खुंगर और मूलचंद जी टावरी, वो अन्य हमारे बुजुर्ग थे। आज दुर्भाग्य की बात है कि ये जितने भी संस्थापक थे उसमें सिर्फ हरिराम जी राठी अलावी है और कजोड़मल जी के आल बेड पर है। तो यह कारोबार हमारी ऊपर आया उस समय के बाद, अभी युवा पीढ़ी के अंदर काफ़ी लोग जुड़े हैं, जैसे हरीश जी अग्रवाल इंडस्ट्रीस्ट है, उसके बाद में शिव कुमार गुप्ता है, मनोज पोद्दार है और श्री गोपाल जी सोनी है। वर्तमान के अंदर इसके अंदर हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग 82 साल के हैं जो सीनियर उपाध्यक्ष है, रामदत्त जी गोयल, उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट हरीश जी अग्रवाल, सेक्रेटरी श्री ऋषि जी खुंगर और ट्रेजरार टावरी जी, उसके बाद में राधा कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री पवन जी पोद्दार, उसके बाद में अन्य श्री गोपाल जी सोनी, ऐसे अनेक जगदीश जी गुप्ता, ये सब हमको रात दिन सहयोग करते हैं। ये टीम है, इसी टीम के कारण यह हॉस्पिटल आगे बढ़ रहा है। इस टीम के बाद सबसे बड़ी टीम होती है वो डॉक्टरों की है, कंसल्टेंट की है, नर्सेस की है, मौसी लोगों की है, आरएमओ की है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की है। वो सब मिलजुल कर एक टीम वर्क में काम कर आज पेशेंट की सेवा दे रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डालकर रात दिन भूत के समान किट पहनकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसी कारण ये सेवा बहुत अच्छे रूप से दी जा रही है। ये सौभाग्य कि 6 कंसल्टेंट, 18 RMO और 60 लोगों की नर्सेस आज सेवा दे रही है और 25 बेड से हम बहुत शीघ्र 105 बेड तक पहुंच रहे हैं। सर, कोविड का जो समय हम सबके लिए काफ़ी गंभीर है, ऐसे में किस तरह की व्यवस्था आपकी ओर से आपके अस्पताल में की गई है? राधा कृष्ण हॉस्पिटल में पहले से 150 बेड की व्यवस्था थी।
पर 150 बेड हमारे यहाँ जनरल यूटिलिटी के अंदर थे, जैसे बच्चों का वार्ड अलग था। हमारे यहाँ 5 ओटी है, शायद नागपुर में कहीं 5 ओटी नहीं है। हमारे यहाँ आईसीयू है, हमारे यहाँ महिलाओं का वार्ड है, हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिक का वार्ड है, हमारे यहाँ सर्जरी का वार्ड है, और अभी हम कैथ लैब डालने जा रहे हैं, उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। परंतु ये सब के साथ हमें सौभाग्य मिला है नारायण सेवा संस्थान के साथ, जब हमारे यहाँ 150 बेड ऑक्यूपाई हो गए थे। हमने हैंडीकैप लोगों के निःशुल्क ऑपरेशन लगभग 350 लोगों के किए। उसी प्रकार हमें सौभाग्य है कि नोबल पुरस्कार के अंदर सेकंड नंबर रहने वाले श्री डॉक्टर शरद दीक्षित ने यहाँ 10 साल कटे हुए ओटों के बच्चों को नया जीवन दान दिया, और हर साल हमारे यहाँ 700-800 हज़ार ऑपरेशन हुए, लगभग 12,000 ऑपरेशन उन्होंने किए, और 2 बार उनका नोबल पुरस्कार में सेकंड नंबर रहा। भारत सरकार ने उनको पद्मश्री और जो भी बड़े बड़े पुरस्कार होते हैं महाराष्ट्र सरकार ने उनको दिया, पर नोबल पुरस्कार में 2 बार सेकंड नंबर पर रहे, फर्स्ट नंबर पर नहीं आए। उसके बाद आउटलुक ने ये 2000 के जो हमारी अभी चल रहा है युग 2000 साल का, उसमें 2000 का उनको महामानव डिक्लेयर किया, यानी सबसे बड़ा काम उन्होंने लगभग 1,60,000 बच्चों को जीवन दान दिया। और वो व्यक्ति नागपुर के ये पास वर्धा के थे, इसलिए नागपुर से उन्हें लगाव था। पहले ये आकाशवाणी के अंदर कार्य करते थे, वहीं से अपना जीवन निर्वाह करते हुए डॉक्टर बने और वर्ल्ड फेमस कॉस्मेटिक सर्जन थे। इन्हें बाद में कैंसर हो गया और हार्ट अटैक आया, तो उन्होंने कैंसर हार्ट अटैक के बाद 12 साल जिए, और 12 साल इन्होंने निःशुल्क सेवाएं भारत के अनेक शहरों में दी, जिसमें प्रथम नंबर नागपुर में राधा कृष्णा हॉस्पिटल का रहा। उसी प्रकार मैंने आपको बताया हैंडीकैप ऑपरेशंस हमने नारायण सेवा संस्थान के संयुक्त किए, तो हमारे यहाँ उस वक्त हमने 150 बेड को 200 बेड तक की व्यवस्था फैला देते थे, वो नॉमिनल यानी व्यवस्था होती थी। पर अब आप कोरोना की बात कर रहे हैं, तो कोरोना का सेटअप अलग होता है। अभी हमारा कोरोना NMC यानी नागपुर कॉरपोरेशन अप्रूव्ड है, तो उनके नॉर्म्स फॉलोअप करने पड़ते हैं। ऑक्सीजन पाइपलाइन कई जगह डालना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स फैलाना पड़ता है, वेंटिलेटर्स नए लाने पड़ते हैं, उसके बाद में मॉनिटर्स लाने पड़ते हैं, बाईपैप मशीन लानी पड़ी, ICU फर्नीचर्स लाने पड़े, एम्बुलेंस बढ़ानी पड़ी। इस प्रकार अनेक टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, पर हमारे ट्रस्टियों के कॉन्टैक्ट्स होने के कारण हमको हर चीज़ आज ईश्वर की दया से मिल गई। आज इंजेक्शन का शॉर्टेज है, इंडियावर का रिजर्वायर करके वो इंजेक्शन भी हमें कंपनी वालों ने डायरेक्ट दे दिया। इस प्रकार यहाँ सेवाएं अच्छे ढंग से चल रही है, और एक महीने में कल हमारा आज कल एक महीना हो जाएगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और सर्विसों में सुधार होगा। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, क्या अपील करना चाहेंगे आप अस्पताल की ओर से, जो मरीज़ है या फिर जो डर का माहौल हमें नज़र आता है उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले डर के माहौल में मैं यही कहूँगा कि एकदम से हॉस्पिटल के ओर ना जावे। पहली बात तो सेफ्टी रखे, जो रोज़ रात दिन देखते हैं, मास्क को बराबर यूँ पहने फुल टाइप में, उसके बाद कानों में रुई डाले और रोज़ हल्दी के गरारे करे, हल्दी और नमक के, साथ में भाप लेते रहे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कोरोना आपके पास आएगा नहीं, और आएगा तो भाग जाएगा। उसके बाद में मैंने कम से कम 200-300 लोगों के कांटेक्ट के बाद ये गारंटी से कह रहा हूँ, जब बुखार आता है, जब पेशेंट घबरा जाता है, वो बुखार यदि 1.5-2 दिन में निकल जाता है हॉस्पिटल में न जावे। आपका ऑक्सीजन लेवल यदि कम होता है, वो 95 से नीचे जाता है, तो आप ऑक्सीलोमीटर जो मार्केट में 350 रुपये में 400 रुपये में राधा कृष्णा हॉस्पिटल में अवेलेबल कराया है, जिसकी मार्केट वैल्यू शायद 1999 से लेके 2099 है, तो आप ऑक्सीजन को मेंटेन करें, CT स्कैन करवाएं, और CT स्कैन जो मार्केट में 6500 रुपये का रेट है, राधा कृष्ण ने 2800 रुपये में अवेलेबल कराया। इसी प्रकार एंटीजन किट है, RT-PCR किट है, इसकी भी व्यवस्था की है, और अभी हम बहुत शीघ्र ही मनीष भाई और हरीश भाई के कोऑर्डिनेशन से ऐप लॉन्च कर रहे हैं, जो बहुत सारी गाइडलाइंस देगा, और घर बैठे डॉक्टरों को
एडवाइस देगा जिससे उनको ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं, सॉरी, हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमारा यह अनुभव है, लोग घबरा के अपने इच्छा शक्ति को खोकर हॉस्पिटल में आते हैं। इच्छा शक्ति को बनाएं, योगा करें, प्राणायाम करें, ये सब करने से आपको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो राधा कृष्ण हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष गोविंद पोद्दार और उपाध्यक्ष जो है अग्रवाल सर, इन दोनों से हमने यहाँ पर बात की। जहाँ पर नागपुर में कोविड के पेशेंट्स को एडमिट कराने के बाद जो पैसे की लूट मची रहती है, वही ये जो अस्पताल है राधा कृष्ण हॉस्पिटल, ये एक अपवाद सा नज़र आता है। यहाँ की गुडविल काफ़ी अच्छी है, 1991 का यहाँ पर निर्माण कार्य है और तब से लोगों की सेवा यहाँ पर की जा रही है, मानवता के हित में कार्य किया जा रहा है। ऐसे में मैं विदर्भ टीवी से के माध्यम से आप सभी से यही अपील करना चाहूँगी कि अगर आप कोरोना के पेशेंट्स हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद का ख्याल रखें। और दूसरी बात, ऐसे आपके आसपास ऐसे कई अस्पताल मौजूद हैं, उदाहरण के लिए जैसे हमने राधा कृष्ण हॉस्पिटल की बात की, यहाँ आकर आप कम दर में एक अच्छा इलाज पा सकते हैं, जहाँ पर आपको खाने से लेकर रहने से लेकर सारी सुविधा जो है मुहैया कराई जाएगी। कैमरा पर्सन विकास जीवनी के साथ चेतना गाना, विदर्भ टीवी।